इस पृथ्वी पर कितने तरह के जानवर मौजूद हैं, इसका ठीक ठीक आंकड़ा आज तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि एक आकलन किया जाता है कि जितने जानवर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उन सभी को ठीक ठीक समझने की कोशिश की जाए तो हजार साल लग जाएंगे, फिर भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। फिर भी लोग जानवरों की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं। इसी दौरान कुछ ऐसे जानवरों की खोज की गई जिन्हें देखकर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसे भी जानवर इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में ऐसे ही 10 हैरान कर देने वाले विशाल जानवरों के बारे में बताते हैं। नंबर 10, गोलियथ बर्ड ईटर। वैज्ञानिक जानवरों की नई प्रजाति की खोज में लगातार जंगलों में घूमते रहते हैं। इसी उम्मीद में एक वैज्ञानिक गयाना रेन फॉरेस्ट में घूम रहे थे। रात के समय उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पहले उन्होंने समझा कि शायद कोई बिल्ली, चूहा या कोई और छोटा जीव उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो पता चला कि वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर था। ये अब तक का देखा गया सबसे बड़ा स्पाइडर था। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो इस स्पाइडर को दुनिया का सबसे बड़ा स्पाइडर होने का खिताब भी दिया गया तथा इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इस स्पाइडर के पैरों की लंबाई 1 फुट तक हो सकती है, साथ ही इसका वजन 170 ग्राम तक होता है। इसके शरीर में थोड़ा जहर भी पाया जाता है। इस मकड़ी की खासियत ये है कि ये चिड़ियों तथा छोटे जीवों का शिकार करती है, इसी कारण इसका नाम गोलियथ बर्ड ईटर रखा गया है। नंबर 9, रेटिकुलेटेड पाइथन। रेटिकुलेटेड पाइथन को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भारी सांप में से एक माना जाता है। इसकी लंबाई 20 फीट तक तथा वजन 200 किलो तक होता है। ये ज्यादातर फिलीपींस, इंडोनेशिया, भारत समेत कई अन्य एशियाई देशों में पाए जाते हैं। ये उन सांसों में शामिल हैं जो ज्यादातर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर इंसानों को भी निकलने से नहीं चूकते हैं। इसी सांप ने 2018 में इंडोनेशिया में एक महिला को निगल लिया था। दरअसल महिला अपने बगीचे में गई थी, तभी सांप ने उसे निगल लिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब काफी देर तक महिला घर नहीं लौटी तो उसके घर वालों ने महिला की तलाश करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें महिला की चप्पल मिली तथा घर की एक छोर पर एक भारी भरकम सांप दिखा। लोगों ने तत्काल सांप को मारकर जब उसका पेट काट कर देखा तो वहां महिला मरी हुई थी। नंबर 8, जायंट स्क्विरल। आमतौर से गिलहरी काफी छोटे और हल्के फुल्के ही होते हैं, लेकिन हाल ही में गिलहरी की एक ऐसी प्रजाति की खोज की गई जिसकी लंबाई 3 फीट तक होती है। इस गिलहरी को मालाबार जायंट स्क्विरल या इंडियन जायंट स्क्विरल के नाम से जाना जाता है। इस गिलहरी का रंग भी आम तौर से दिखने वाले गिलहरी से काफी अलग होता है। इसके पंजों की पकड़ काफी मजबूत होती है, इस कारण ये पेड़ों की ऊंचाई पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती हैं। इसकी पूंछ काफी लंबी होती है जो वेट बैलेंस करने में इसकी मदद करता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये गिलहरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच लगभग 20 फीट तक लंबी कूद लगा सकती है। नंबर 7, डुगोंग्स। डुगोंग्स एक ऐसा समुद्री जीव है जिसे देखकर पहली नजर में लगता है कि ये शायद विशाल व्हेल मछली है, लेकिन वास्तव में ये मछलियों की प्रजाति से है ही नहीं। ये एक ऐसा समुद्री जीव है जिसकी लंबाई 11 फीट तक तथा वजन 1 क्विंटल तक होता है। इसकी बनावट कुछ इस तरह है कि ये ज्यादा देर तक पानी के नीचे लगातार नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हें हर 5 से 6 मिनट पर सांस लेने के लिए अपना मुंह पानी के बाहर निकालना होता है। ये उन चुनिंदा समुद्री जीवों में शामिल हैं जो समुद्र में सिर्फ समुद्री घास खाकर ही जिंदा रहते हैं। ये जीव ज्यादातर ईस्टर्न अफ्रीका तथा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से लगने वाली हिंद महासागर के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। नंबर 6, शिव बिल। शूबिल स्टोक अपने आप में एक बेहद अनोखा पक्षी है। सारस की प्रजाति का यह पक्षी ज्यादातर युगांडा, जाम्बिया तथा कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। ये काफी विशाल होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट तक हो सकती है। इसके चोंच की लंबाई लगभग 24 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर तक होती है। इनकी टांगे काफी मजबूत होती है जो बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में इनकी मदद करते हैं। ये अपनी असाधारण धैर्य क्षमता यानी पेशेंस के लिए जाने जाते हैं। ये पक्षी शिकार के इंतजार में एक जगह घंटों तक खड़ा रह सकता है। ये पक्षी अब विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब इनकी संख्या लगभग 10,000 ही रह गई है। तेजी से इनकी संख्या घटने की बड़ी वजह ये है कि बड़े स्तर पर इनका शिकार किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में
एक शूबल स्टॉक की कीमत लगभग $10,000 तक मिलती है। हालांकि अब इसके शिकार करने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। नंबर 5, जायंट आइसोपॉड। जायंट आइसोपॉड ये एक ऐसा समुद्री जीव है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है। कि वास्तव में ऐसे जीव होते भी हैं। दरअसल ये विचित्र सा दिखने वाला जीव ज्यादातर अटलांटिक, पैसिफिक तथा इंडियन ओशंस के ठंडे तथा गहरे पानी में रहना पसंद करते हैं। आमतौर से इनका आकार 5 सेंटीमीटर तक ही होता है, लेकिन 2010 में मिली इस जायंट आइसोपॉड की लंबाई लगभग 76 सेंटीमीटर तक थी। अध्ययनों से पता चलता है कि ये समुद्र में पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। इनका कंकाल हाल ही में मिला था, जिस पर किए गए रिसर्च के दौरान पता चला कि वो कंकाल लगभग 160 मिलियन साल पुराना था। नंबर 4, फ्लाइंग फॉक्स। दुनिया भर में कई प्रजाति के चमगादड़ पाए जाते हैं, लेकिन ये चमगादड़ बाकियों से काफी अलग है। इसे फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि इसका मुंह काफी हद तक फॉक्स से ही मिलता जुलता है। आम तौर से जो चमगादड़ होते हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन इस चमगादड़ के पंखों की लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो ज्यादातर जानवरों और इंसानों का खून चूसते हैं, लेकिन फ्लाइंग फॉक्स उनसे काफी अलग है, क्योंकि ये सिर्फ फल फूल ही खाते हैं। ये ज्यादातर झुंड में रहते हैं। इनके झुंड में 2000 या इससे भी अधिक संख्या में चमगादड़ हो सकते हैं। नंबर 3, जायंट स्टिंगरे। जायंट स्टिंगरे नाम की ये मछलियों की प्रजाति फ्रेश वाटर में पाई जाने वाले मछलियों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इन मछलियों की लंबाई 16.5 फीट तक होती है। ये काफी वजनी भी होती है। इनका वजन लगभग 6 क्विंटल तक हो सकता है। ये देखने में बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इनकी पूंछ काफी मजबूत भी होती है। आमतौर से ये मछलियाँ इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन इनकी पूंछ इतनी मजबूत होती है कि वो इंसानों के शरीर में छेद कर सकती है तथा उन्हें नुकसान पहुंचा भी सकती है। हालांकि ऐसे मामले काफी कम देखे गए हैं। नंबर 2, जायंट बैरल जेलीफिश। बैरल जेलीफिश ब्रिटेन में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जेलीफिश है। इसका आकार लगभग 3 फीट तथा वजन 35 किलो तक हो सकता है। इनकी बनावट काफी हद तक मशरूम जैसी होती है। काफी हद तक इनका आकार डस्टबिन जैसा भी होता है। यही वजह है कि इस जेलीफिश को डस्टबिन लिड जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये जेलीफिश आमतौर पे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनका एक डंक इंसानों को काफी तेज दर्द और जलन दे सकता है। इसकी एक और खासियत ये है कि मरने के बाद भी अगर इसका कांटा इंसानों को चुभ जाए तो उन्हें दर्द और जलन हो सकती है। आमतौर से ये समुद्र की गहराइयों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी समुद्र में आने वाले तूफान की वजह से ये समुद्र के किनारे जमीन पर भी पहुंच जाते हैं। नंबर 1, एनाकोंडा। ज्यादातर लोगों ने एनाकोंडा फिल्मों में ही देखा होगा। ऐसे में कई लोगों के जहन में सवाल आता है, क्या वास्तव में भी एनाकोंडा सांप पाए जाते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, एनाकोंडा पाए जाते हैं। ये ज्यादातर अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। आमतौर से ये सांप इंसानों की बस्ती से काफी दूर होते हैं, लेकिन 2007 में एक एनाकोंडा ने एक 8 साल के बच्चे को दबोच लिया था। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वहां पर उसके दादा मौजूद थे। उन्होंने सांप पर तेज हथियार वार करते हुए बच्चे को सांप की पकड़ से आजाद करा लिया, लेकिन तब तक सांप ने बच्चे को कई जगह काट लिया था। बच्चे को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे 20 से ज्यादा टांके लगाए गए, पर बच्चे की जान बच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने बड़े सांप ने उस बच्चे को काट लिया तो उसकी जान कैसे बच गई। तो आपको बता दें कि एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो अपनी जबरदस्त पकड़ से अपने शिकार का दम घोट देते हैं, जिससे शिकार की मृत्यु हो जाती है। एनाकोंडा की लंबाई 36 फीट तथा वजन 450 किलो तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियो आती रहे। धन्यवाद।